मथुरा में विकासखंड राया के सभागार में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने किसानों की आवाज को बुलंद करने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 27वीं जयंती मनाई, जहां पदाधिकारियों ने बाबा टिकैत के तस्वीर पर माल्यार्पण करके उन्हें याद किया, साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर ने कहा कि बाबा टिकैत ने आजीवन किसानों की लड़ाई लड़ी, किसानों को उनका हक दिलाने के लिए मरते दम तक प्रयासरत रहे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए वर्तमान में संगठन किसानों की मांगों को पूरा कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को पूरा करने में वर्तमान में जिला प्रशासन हीला हवाली कर रहा है। इसके लिए कई बार जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी जा चुकी है, इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जल्द ही हजारों की संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों का घेराव करेंगे। जयंती मनाई बाबा महेंद्र सिंह जयंती, जो आज किसान आवाज उठा रहा है, टोपी लगा के फिर भी चला जाता है, तो ये बाबा की जयंती। आज सभी संगठन के पदाधिकारियों ने बैठक लेकर शपथ ली है कि बाबा के सदचिन्हों पर सभी लोग काम करेंगे। जैसे बाबा ने किसानों की आवाज़ बुलंद किया, उसी तरीके से सभी पदाधिकारी ईमानदारी के साथ किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ ही समीक्षा बैठक में कई निर्णय लिए गए, कई पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, कई पदाधिकारियों को निष्कासित भी किया गया था, उनको पुनः बहाल किया गया है। और अभी जो अधिवेशन है हमारे यूनियन का 9-10-11 तारीख को, उसको लेकर चर्चा की गई है। और सबसे बड़ी चर्चा हुई है जो आगामी किसानों को मुद्दे को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन मथुरा में होने जा रहा है, उसकी अभी तारीख डिफाइड नहीं की गई है, क्योंकि अभी कुछ पदाधिकारी जनपद के भी नहीं आ पाए थे। इसको लेकर 20 अक्टूबर को पुनः एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है यूनियन की, जिसमें यह तय होगा कि कौन सी तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय का घेरा प्रत्यागत किया जाएगा, क्योंकि विगत दिनों से समस्या जो कि क्यों होती जा रही है, कई बार ज्ञापन दिए, उनका आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। इन सबको लेकर करीबन हमारी उम्मीद है कि 10,000 किसान मथुरा कलेक्ट्रेट को पूछ करेगा और घेरने का काम करेगा।